गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ, सीनियर चेस्ट फिजिशियन, प्रोफेसर एंड हेड पल्मोनरी मेडिसिन, एरा मेडिकल कॉलेज, लखनऊ। इसके पहले मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट का निर्देशक भी रह चुका हूँ और केजीएमसी में मैं प्रोफेसर एंड हेड पल्मोनरी मेडिसिन भी रह चुका हूँ। आज चारों तरफ कोरोना वायरस का खौफ छाया हुआ है। जैसा आप सब समझते हैं कि लगभग 198,000 पूरे संसार में कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं और लगभग 7,900 के आसपास इससे मृत्यु भी हो चुकी है। आपको सब पता है ये वायरस चीन से शुरुआत होके अब लगभग 140 देशों में फैल चुका है। चीन के बाद जिन देशों में हो रहा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं खासकर डॉक्टरों के लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि डॉक्टर इस कोरोना से अपने को कैसे बचाएं। वो मरीज की सेवा आप कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन साथ में आपको अपनी भी बचत करना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो चेस्ट के डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिसिन के डिपार्टमेंट्स हैं, जहां पर इस तरह के मरीज की आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मैं कह रहा था चीन के बाद, बल्कि ये कहा जा रहा है चीन से ज़्यादा केसेस अब चीन के बाहर के मुल्कों में नंबर हो चुका है, और जो मुल्क हैं चीन के बाद जहाँ हो रहा वो इटली है, ईरान है, स्पेन है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है। तो इन देशों से ज़्यादा नंबर रिपोर्ट हुए हैं। खासकर हिंदुस्तान में भी लगभग 140 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको पता है 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। एक डॉक्टर जिसने इलाज बेंगलोर के आसपास, एक मरीज जिसकी डेथ हो चुकी है, वहाँ के डॉक्टर को भी इन्फेक्शन हो चुका है। तो मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम डॉक्टर्स कैसे इससे बचें, और ख़ासकर जो चेस्ट के डॉक्टर हैं जहाँ मरीज देखे जा रहे हैं वहाँ क्या सावधानियाँ बरती जाए। जैसा आपको विदित है कि जब इस तरह का मरीज फ्लू लेके आएगा, आपको घबराने की बात नहीं है। हर फ्लू कोरोना नहीं होता, और कोरोना में भी ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए तो लगभग 80-85% लोग तो जैसे सारे फ्लू ठीक हो जाते हैं, ये भी ठीक हो जाता है। 10-15% लोगों को सीरियस इलनेस हो सकती है, 2-5% लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसमें से 2-3% लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब देखते हुए हमें अपने आउटडोर में या जहाँ भी हम ओपीडी करते हैं क्या करना चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अपनी ओपीडी में भीड़ को किसी, अपने जो भी प्रक्रिया करें भीड़ को नियंत्रित रखना है। ज़्यादा समय तक भीड़ को एक साथ नहीं बैठाना है। कोशिश करें कि ओपीडी में जो वेटिंग एरिया है उसमें थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें मरीज लोग या अटेंडेंट लोग जो बैठे हैं। मरीज खासकर जिनको खांसी आ रही है, जिनको फ्लू के सिम्टम्स हैं, सांस फूल रही है, ऐसे मरीजों को मास्क पहनना ओपीडी के अंदर अनिवार्य है, और उनको जल्दी से जल्दी ओपीडी ख़त्म करने की कोशिश की जाए। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ओपीडी में हर एक को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जब मरीज आपके कमरे में आता है, हम अक्सर देखते हैं डॉक्टर साहब एक बैठे हुए हैं,
चार पांच पांच मरीज एक साथ देख रहे हैं आज के दिनों में, जब इसका भयावह जब जब स्थिति है। मैं तो मैं सलाह दूंगा, एक एक डॉक्टर अगर है, एक मरीज और उसके साथ एक अटेंडेंट को अलाउ करिए, और वो भी मरीज और अटेंडेंट, खासकर जिनको खांसी आ रही है, वो मास्क या रुमाल लगा के अंदर आवें। जब आप अंदर देख रहे हैं, देखने से पहले आप हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री में आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गया है, मैंने अपने डिपार्टमेंट में ये चीज़ लागू किया है, कि आप हर मरीज से पूछें कि आपकी कोई विदेश यात्रा जल्दी में तो नहीं हुई है, खासकर उन देशों में जहाँ पर ये इन्फेक्शन है, या कोई भी उसके घर का मेंबर विदेश से तो नहीं आया है जो घर में रह रहा है, चाहे उसको सिम्टम हो चाहे सिम्टम ना हो। और जैसे ही आपको ये पता लगता है तो आपके कान खड़े हो जाने, अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये जो खांसी और जो सिम्टम है, क्या ये कोरोना के वायरस की वजह से तो नहीं है। तो जो उसका एक्सपोजर है, जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग टीबी के मरीज भी खूब देखते थे, उसमें भी हम ये सब सावधानियाँ लेते थे, लेकिन आज कोरोना की वजह से ये सब सावधानियाँ बरतने का समय बहुत आ गया है। फिर जब हम मरीज देखते हैं, पहली बात बताइए, एक एक मरीज को अंदर आप बुलाइए, फिर जब मरीज आप देखते हैं, हमने बहुत से डॉक्टरों को देखा है, अच्छी बात है, फेस टू फेस बात करते हैं, लेकिन हमने तो टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट में 40 साल से ज़्यादा काम किया है, और हमने आज तक अपने जीवन में हमेशा हमने मरीज़ कभी फेस टू फेस बात नहीं किया। मरीज लोग कभी कभी एतराज़ जताते हैं कि साहब हमें बात करना है, हमने कहा बात तो हम करेंगे सुनेंगे, लेकिन ख़ासकर आज के दिनों में आपको फेस टू फेस बात नहीं करना है, उसको अपने पीठ की पीठ अपने अपनी तरफ रखाइए, तब उसकी पूरी बात सुनिए, हिस्ट्री सही से लीजिए, और जैसे ही सस्पेक्ट हो तो उसको आप ज़रूर ऐसी जगह रेफ़र करें जहां पर इसका टेस्ट होता है। डॉक्टर खासकर चेस्ट और मेडिसिन, जहां पर इस तरह के मरीज के आने की संभावना ज़्यादा है, खासकर जो सिम्टोमैटिक पेशेंट हैं, मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर भी ओपीडी में मास्क लगा कर बैठे, मास्क लगा कर ही मरीज देखें, और अपना हाथ, डॉक्टर को भी अपना हाथ बार बार साबुन से, स्वच्छ पानी से ठीक से धुलें। हर मरीज, हम तो कहते हैं हर मरीज के देखने के बाद आप अपना हाथ साफ कर लें, या साबुन नहीं पॉसिबल है तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें। अगर ये सब सावधानियां बरतेंगे तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, काफ़ी वल्नरेबल हैं, हमें तो ड्यूटी करनी ही है, लेकिन ये सावधानियां बरतेंगे तो चांसेस यही है कि हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। आप सबको पता है कि अभी कोरोना वायरस स्टेज टू में चल रहा है, कम से कम भारतवर्ष में, मतलब भारतवर्ष में अभी लोकल है, कि मतलब कोई मरीज जो विदेश से आया उससे इन्फेक्ट हुआ, या एक जो हिंदुस्तान में इन्फेक्ट हुआ उससे जो दूसरा आदमी इन्फेक्ट हुआ, तो अभी ये स्टेज टू पर चल रहा है, और अगर ये सावधानियां हम नहीं बरतेंगे तो स्टेज टू से आगे भी बीमारी बढ़ सकती है। आल्दो हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, बहुत पॉलिटिकल कमिटमेंट है, सारे जितने भी सावधानियां सरकार ले सकती है वो सलाह दे रही है, लेकिन सिर्फ सरकार के सलाह से ही काम नहीं बनना है, समाज की भी ड्यूटी है, हम डॉक्टरों की भी ड्यूटी है कि हम इसमें पूरा कोऑपरेशन करें, जिससे इस कोरोना वायरस को रोका जा सके। Thank you very much.